वेलकम टू मेड इजी गाइस। तो कई बच्चों का क्वेश्चन था कि सर अगर हार्ट अटैक हमारे क्लिनिक में कोई भी ऐसा पेशेंट आए या किसी भी लोगों में अगर अगर हमारे घर में भी किसी को हार्ट अटैक की सिचुएशन आए तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो मैंने सोचा पूरा एक ब्रीफ वीडियो बना दूँ। ठीक है, इसमें ये है कि सस्पेक्टेड हार्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसे हार्ट अटैक भी कहते हैं हम, ये क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी है। तो उसमें ये दो सिम्टम हमें ज़्यादा प्रीडोमिनेटली देखने को मिलते हैं कि पेशेंट विद सीवियर चेस्ट पेन एंड स्वेटिंग। देखिए, छाती में बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा पेशेंट को, उसके साथ क्या होगा, प्रस्पिरेशन होगा, स्वेटिंग होगा, ठीक है, पसीना निकलेगा। और अगर पेशेंट मिडल एज है और अगर सडन ब्रेथलेसनेस और हाइपोटेंशन देखने को मिल जाए, यानी सांस लेने में दिक्कत होना, और अगर उसका बीपी फॉल हो गया, ठीक है, ब्लड प्रेशर डाउन हो गया, तो हम सस्पेक्टेड मायोकार्डियल इन्फेक्शन इसको कह सकते हैं। ठीक है, व्हेन द मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज सस्पेक्टेड डू नॉट वेस्ट टाइम, शिफ्ट इमीडिएटली टू अ फिजिशियन और हॉस्पिटल। देखिए, अगर ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में या जहाँ भी आप एमओ की जॉब कर रहे हो, एमबीबीएस के बाद आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर ये दो कंडीशन आपको देखने को मिलती है तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे पेशेंट को हॉस्पिटल या फिजिशियन के पास रेफ़र कर दीजिए तुरंत। ये केस आप मत लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि आप अभी फिजिशियन के पास नहीं जा सकते, ठीक है, अगर पेशेंट को पहुंचने में भी देर लगेगी, तो आप प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या देख सकते हैं, इमीडिएट मेज़र, मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या। फर्स्ट है, आपको पेशेंट को ये बताना है कि बिल्कुल भी वॉकिंग ना करे, ठीक है, बिल्कुल भी वॉकिंग ना करे। और एक इंजेक्शन मॉर्फिन आता है 15 mg IM स्टेट दे देना है आपको, मॉर्फिन, जी हाँ, नार्कोटिक एनाल्जेसिक कहते हैं। और ये मॉर्फिन, नॉर्फिन, फोर्ट्रिन, ये चारों मेडिसिन जो है, इसमें से कोई भी एक अगर आपके क्लिनिक में है तो आप तुरंत ही उसको स्ट्रेट IV या IM, जो भी ये डोज में लिखा है, उसे दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या कीजिए, टेबलेट आइसोडील 10 mg सबलिंगुइनल। सबलिंगुइनल मतलब जिभ के नीचे जो हम देते हैं, ये हमें उसे उगलने को निगलने को नहीं कहनी है, ठीक है, ये हमें जिभ के नीचे रखनी है, सब लिंगुइनल स्टेट देनी है। ऐसी एक आती है सोर्बिट्रेट, दोस्तों अपने क्लिनिक में ये ज़रूर रखिए सोर्बिट्रेट। दोस्तों सोर्बिट्रेट एक जो मेडिसिन है, टेबलेट है, उसको अपने क्लिनिक या घर पे ज़रूर रखिए। अगर किसी को भी आप मायोकार्डियल इन्फेक्शन देखते हैं, हार्ट अटैक का सिम्टम देखते हैं, तो उसको जिभ के नीचे तुरंत ही उसको रख देने की, वो क्या कहती है, वासो डायलेटर है, उस वेसल्स को डायलेट कर देती है, ठीक है, जो कंजेशन हो गया उसको डायलेट कर देती है, खोल देती है वेसल को, जिससे ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। फोर्थ जो टेबलेट है वो है डिस्प्रिन, उसे एस्पिरिन भी कहा जाता है कभी कभी, मतलब एस्पिरिन उसका कंटेंट है, ये उसका ब्रांड नेम है, ठीक है, इसमें कंटेंट दिया गया हुआ है। देन इफ़ बीपी इज़ लो, हाइपोटेंशन है, ठीक है, अगर बीपी लो है, बीपी गिर गया है, तो उसको बढ़ाने के लिए हमें स्टीरोइड देना होगा, इंजेक्शन बीटनेजोल 2-4 ampoule IV स्टेट देना है, ठीक है, हमको 2-4 ampoule। और है इंजेक्शन मेफेंटिन 2 cc IV, और पेशेंट को कर देना है शिफ्ट स्ट्रेचर पे या हॉस्पिटल फिजिशियन पे हमें रिफ़र कर देना है, ये हमें नहीं लेना है, ठीक है। इसके कंफर्मेशन और डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होंगे, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और SGOT, ये जो लीवर का टेस्ट आता है उसे करना है, ठीक है, हमें ये केस हमें नहीं लेना है दोस्तों, ये केस हमें नहीं लेना है, एज अ फिजिशियन, एज अ जनरल फिजिशियन, हार्ट अटैक का केस हमें नहीं लेना है। पेशेंट को कुछ भी हो सकता है, अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने आती है तो पहले ये अगर आप कर सकते हैं तो ये 3-4 स्टेप जो ट्रीटमेंट में दिए गए हो उसे कीजिए, क्योंकि ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है और ये मेडिसिन उसकी जान बचा सकता है पेशेंट की। लेकिन अगर हमारे पास वो प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, अगर आपको आता है फिर भी मत कीजिए, मैं कह रहा हूँ रिफ़र कर दीजिए। अगर नहीं हो सकता तो फिर ये इमीडिएट ट्रीटमेंट कीजिए। और अगर आप किसी हॉस्पिटल या एमओ की जॉब कर रहे हैं किसी हॉस्पिटल में, अगर फिजिशियन हाज़र नहीं है तो फिर भी यही सेम ही ट्रीटमेंट रहेगी, बस थोड़ा मॉडिफाइड होगा, क्योंकि आपके पास सारे ECG मशीन और ये सब आपके हॉस्पिटल में है, तो आप ये सब स्टेप ले सकते हैं, लेकिन वो भी फिजिशियन को पूछे बिना मत लीजिएगा गाइस, क्योंकि इसमें डोज और ये सब पुस्तक बुक्स में लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि पेशेंट पे यही सेम होगा, यही सेम प्रोसीजर के साथ होगा, प्रोसीजर थोड़ा बहुत मिलता जुलता होता है, लेकिन यही प्रोसीजर फॉलो कीजिए ये मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता। तो अगर
आपका फिजिशियन से बात हो जाए तो उनसे बात कीजिए, फिर ही ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। ये मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा सकता हूँ, ठीक है, इसमें सब आप जो भी नोट करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन मैं ये फर्दर ट्रीटमेंट के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। अगर हार्ट अटैक के पेशेंट को आप देखते हैं तो ये ट्रीटमेंट आपको लेनी है। थैंक यू, सब्सक्राइब टू मेडिसिन।